25,000 के नीचे कोई एक ऐसा बेस्ट फोन देख रहे हो जिसमें सारी चीजें कर सको, जैसे कि अच्छी गेमिंग कर सको, अच्छा डिस्प्ले हो जिसमें कंटेंट वगैरह देखने के लिए, मतलब अच्छा कंटेंट, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, और साथ में आपको अच्छा कैमरा मिले, बैकअप, चार्जिंग स्पीड, सारी मतलब सारी चीजें आपको अच्छी मिले, तो पांच फोन बताऊंगा इस वीडियो में जिसमें से आपको जो भी पसंद आ रहा है परचेज कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे यही पांच फोन सबसे बेस्ट है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फोन के साथ, और सबसे पहला जो अपना फोन है वो एक गेमिंग फोन है। मतलब गेमर्स अगर 25,000 के नीचे कोई बेस्ट गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट ऑप्शन अभी के टाइम पे नहीं हो सकता, और ये फोन है रेडमी K50i जिसमें आपको 6.6 इंचेस का एक एलसीडी डिस्प्ले मिलता है। जानता हूं कि इस प्राइस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई एक एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन ये डिस्प्ले एलसीडी होने के बावजूद भी इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है। इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश मिलता है, साथ में डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी दिया है। लेकिन इस फोन की जो मेन हाईलाइट है वो है इसका परफॉर्मेंस। इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर मिलता है, साथ में LPDDR5 रैम, UFS 3.1 की फास्ट स्टोरेज है जो कि आपको फ्लैगशिप फोन में मिलती है। तो इसमें हां आप हाई ग्राफिक में गेमिंग कर सकते हो, आप कॉम्पिटेटिव लेवल की गेमिंग कर सकते हो इसमें, साथ में आपके हेवी टास्क भी आराम से हो जाते हैं। और 5G के लिए भी फोन काफी सही है, आपको 13 5G के बैंड्स मिलते हैं, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। बात करते हैं इस फोन के कैमरास की, बैक साइड में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिससे 4K 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हो, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी सही है। 5080mAh की बैटरी और 67W का चार्जर मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और प्राइस की बात करें तो 6GB प्लस 128GB वेरिएंट आपको 24,000 रुपीज का मिल जाता है। बात करते हैं दूसरे फोन की, अगर आप 25,000 के नीचे एक ऐसा फोन देख रहे हो जिसमें सारी चीजें बैलेंस में हो, मतलब एक चीज बेस्ट हो दूसरी बेकार हो, नहीं आपको सारी चीजें बैलेंस में चाहिए, तो आपके लिए Vivo T1 Pro जिसमें आपको 6.44 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है। अब यहाँ पर मुझे कमी ये लगी कि भाई नॉच डिस्प्ले, इस प्राइस पे सारे फोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आते, तो हाँ ये मुझे सबसे बड़ी कमी लगी। 90Hz का रिफ्रेश रेट है, और यहाँ पर बात करें परफॉर्मेंस की तो आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर मिलता है जिसमें आप हाई ग्राफिक में गेमिंग कर सकते हो, लेकिन हाँ कॉम्पिटेटिव लेवल के नहीं, दोस्तों के साथ टाइम पास के लिए बहुत सही है। बस एक शिकायत रहेगी LPDDR5 रैम, UFS 3.1 की स्टोरेज होती ना तो और सही रहता। इस फोन में भी आपको एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, साथ 5G की बैंड्स मिलते हैं जो कि डिसेंट नंबर ऑफ 5G बैंड्स है। और बात करें कैमरास की तो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पर भी मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, 4K 30fps में बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कैमरा परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। 4700mAh की बैटरी, 66W का चार्जर, दोनों सही लगे मुझे, और आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और प्राइस की बात करें तो 6GB प्लस 128GB वेरिएंट आपको फ्री में मिल रहा है। Vivo वाले ऐसे फ्री में बांट रहे, अबे साले मजा कर रहा हूँ। 6GB प्लस 128GB वेरिएंट आपको 24,000 रुपीज का मिल जाता है। तीसरा फोन अपना ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है जिसमें सारी चीजें काफी सही मिलती है, जो कि है Realme 9 Pro प्लस स्मार्टफोन जिसमें आपको 6.4 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, और MediaTek का Dimensity 920 प्रोसेसर मिलता है जो कि एक 6nm का प्रोसेसर है। इसमें भी आप हाई ग्राफिक में गेमिंग कर सकते हो, लेकिन दोस्तों के साथ, कॉम्पिटेटिव लेवल की नहीं, और यहाँ पर भी आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, लेकिन ना 5G में बेकार लगा, बस 5G बैंड्स मिलते, कम से कम 7 या फिर 8 होने चाहिए थे, तो हाँ 5G के लिए मुझे लगता है कि बेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन एक जो चीज इसकी सबसे बेस्ट है और लोगों को वही सबसे ज्यादा पसंद आती है वो है कैमरा। बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन इसमें आपको मिलता है सोनी का IMX766 सेंसर जो कि एक लेटेस्ट सेंसर है, काफी सही है, और साथ में आपको OISB मिलता है इस फोन में। इस फोन के बैक साइड में 4K 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हो, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, कैमरा बहुत सही है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि भाई रियलमी के फोन में ना फोटो सैचुरेटेड आते हैं, तो जो लोग सोशल मीडिया फ्रेंडली फोटोज लेना जिनको पसंद है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे उनको काफी ज्यादा पसंद आएंगे, लेकिन जिनको नेचुरल टोन पसंद है उनको शायद ये फोन थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन जी कैम वगैरह और भी ऑप्शन है। 4500mAh की बैटरी और 60W का चार्जर मिलता है, मुझे चार्जिंग स्पीड काफी सही लगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और प्राइस की बात करें तो 6GB प्लस 128GB वेरिएंट आपको 25,000 का यानी 25,000 रुपए का मिलता है। इसमें जब सेल चल रहे थे उस टाइम पे 18,000 रुपए का मिल रहा था, काफी सही प्राइस पे मिल रहा था। तो भाई अपने OnePlus फैंस के लिए भी एक फोन बताता हूँ, 4 नंबर पे आता है OnePlus Nord CE2 जिसमें आपको 6.43 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek का Dimensity 900 प्रोसेसर है जिसमें आप मीडियम सेटिंग में गेमिंग कर सकते हो, आपके हेवी टास्क भी आराम से हो जाते हैं, बाकी Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, 7 5G के बैंड्स मिल जाते हैं, बैक साइड में आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिससे 4K 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हो, और 16 मेगापिक्सल का अपने सेल्फी लवर भाइयों के लिए सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 4000
500 mAh की बैटरी और 65W का चार्जर मिलता है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और NFC का सपोर्ट मिलता है, जो कि इंडिया में कमी फोन्स में हमें देखने को मिलता है। और लास्ट में रोकड़े की बात करें कि भाई कितना देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में तो मिलने वाला है नहीं। 6GB प्लस 128GB वेरिएंट हमें मिलता है 25,000 रुपीज का, 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अपनी लिस्ट का जो लास्ट फोन है ना वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन 25,000 के नीचे अभी भी काफी वर्थ फोन है, जो कि है मी 11 लाइट एंड ई स्मार्टफोन। इस फोन में 6.55 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन ये एक 10-bit डिस्प्ले और साथ में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है, तो अगर कुछ अच्छा देखोगे स्क्रीन पे तो आपको बहुत ही अच्छा नजर आने वाला है। मैं अच्छे कंटेंट की बात कर रहा हूँ, किसी फालतू कंटेंट की नहीं। इस फोन में भी आपको स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर मिलता है और यहाँ पर भी आप हाई ग्राफिक में गेमिंग, हेवी टास्क वगैरह कर सकते हो। फोन थोड़ा सा पुराना है तो एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, लेकिन एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा और आपको यहाँ पर 12 5G के बैंड मिलते हैं। तो भाई फ्यूचर में 5G आने वाला है, तो 5G के लिए भी फोन काफी सही है पुराना होने के बावजूद भी। 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिससे 4K 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, 4250 mAh की बैटरी, 33W का चार्जर मिलता है, बैकअप चार्जिंग स्पीड मुझे दोनों ही बेकार लगे, थोड़े और बेटर हो सकते थे। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है। और लास्ट में पैसे की बात करें कि भाई कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 6GB प्लस 128GB वेरिएंट आपको 25,000 रुपए का मिल जाता है Amazon पे। तो ये थे वो 5 बेस्ट फोन जो कि इस टाइम पे मुझे बहुत ही सही लगते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।